नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था। गोवा के पिछले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन बीजेपी कुछ स्थानीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रही। वही ताजा रुझानों के मुताबिक गोवा में अभी तक किसी को भी बहुमत नहीं मिल सका है। बता दें कि भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी है। भाजपा कुल 40 में से 19 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी 3 सीट पर आगे है, वहीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी और आम आदमी पार्टी एक एक सीट पर आगे है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 3 सीट पर बढ़त बनाए हैं। वहीं दौड़ में आगे चल रही बीजेपी को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, यह कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत। नतीजों के बीच कांग्रेस नेता माइकल लोबो, जो कि अपनी सीट कलंगुट निर्वाचन क्षेत्र से आगे चल रहे हैं, ने कहा, हमने सोचा था कि हम जीतेंगे, लेकिन हमें जनादेश स्वीकार है। हमें 12 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से काम करेंगे। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अभी कांग्रेस को और मेहनत करनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।